रीजन कुछ भी नहीं है इंसान के दिमाग के अंदर। साइंस इसको इस तरह एक्सप्लेन करती है कि आपके दिमाग के दो हिस्से, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। लेफ्ट कंट्रोल्स राइट एंड राइट कंट्रोल्स लेफ्ट। एक एनालिटिकल होता है और एक कंसेप्चुअल होता है। दो दिमाग होते हैं, मेरा कंसेप्चुअल ज्यादा है, इट्स वेरी सिंपल। और मेरी वो फैकल्टी ज्यादा डेवलप हो गई दिमाग, लिहाजा मैं इस काम में आ गया। लोगों को तो बहुत छोटी चीजें हैं, ऑब्वियसली आई लुक एट कम्युनिकेशन, जिसमें आइडेंटिटी प्रोग्राम होता है जिसका एक हिस्सा लोगो होता है, फिर उसकी आइडेंटिटी की एप्लीकेशन होती है, फिर कम्युनिकेशन होती है, फिर कैंपेन होता है, फिर स्ट्रैटेजी होती है, और फिर जिस तरह आपने मेरी बाकी परतें या जहतें बताई, दी अदर डिमेंशंस टू मी, और उसकी रीजन मैं बताता हूँ वो क्यों है। पहली चीज तो ये, अगर अल्लाह ने आपको एक से ज्यादा सलाहियत दी हो तो अपने ऊपर कदगन लगानी ये ज्यादती है कि आप खुद अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जब खुदा ने आपको दिमाग दे के आजाद पैदा किया और आपको सलाहियतें दी। आप वो भरुए कार अगर आप नहीं लाएंगे तो वो आपका फियर है, आपका कोई डर है। और अगर मैं उन सब चीजों को एहसन तरीके से डिलीवर कर सकता हूं, इफ आई एम एबल टू कम्युनिकेट, इम्प्लीमेंट, ट्रांसलेट, एग्जीक्यूट, प्रोड्यूस एंड प्रेजेंट, और लोगों को पसंद आए और मेरा नाम उसमें बन जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं एक्सप्लोर करता हूं। क्यों मैं ये बता रहा था कि दरअसल हर चीज का एक न्यूक्लियस होता है, जेनेसिस होता है, बिल्कुल एक फाउंडेशन होती है, और वो क्या है? आइडिया। आइडिया की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। दुनिया की हर इन्वेंशन, दुनिया की हर इनोवेशन, दुनिया की हर क्रिएशन, ये आइडिया की मरूने मिन्नत है। They all start with an idea. Idea क्या है? आप जानते हैं कि इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर ख्वाब नहीं देखता, इंसान ख्वाब देखता है। ख्वाब की एक जहत वो आइडिया है, एक ये फर्क है। दूसरा, अगर आप साइंसी हवाले से देखें तो जो ह्यूमनॉइड है, जो होमो सेपियन है, जो इंसान है बामुकाबिल एक जानवर के, तरक्की इसलिए कर पाया कि मुख्तलिफ अदवार में इन कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हमें एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी जो सिखाती है कि तरक्की के मरहल से गुजरता रहा। वो जो तरक्की थी किसी न किसी आइडिया यानी ख्वाब की मरूने मिन्नत थी। अब साइंटिफिकली जब इंसान डेवलप हुआ है, इंसान के जो परसेप्शन है, परसेप्टरी ब्रेन की साइड है पहली, और जो उसकी एनालिटिकल साइड है या जो एक्शन साइड है बिटवीन रिसीविंग द मैसेज टू डिकोडिंग द मैसेज, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग गैप है। लिहाजा अच्छा, जानवरों में ये बिल्कुल साथ साथ okay. इसकी मिसाल मैं आपके लोगों को इस तरह देना चाहूंगा कि आपने जानवर के आगे खाना रखा, जानवर ने खाना देखा, उसका नेक्स्ट एक्शन फॉरन क्या होता है? ईट। ईट, देयर इज नो थिंकिंग। ट्रू। आप और मैं जब हमें भूख लगेगी, ये तो तय हो गया जानवर की तरह, भूख लगी है, अब हमारे यहाँ क्या शुरू हो जाएगा? एक फिजिकल नीड तो है ना, क्या खाना है, किधर खाना है। आपने कभी जानवर को कंप्लेन करते हुए सुना, इसमें नमक कम है, चीनी ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, मीठा कम है, ज्यादा है? नेवर, राइट? ये डिफरेंस है। ये जो ख्वाब है, जो खासा है इंसान का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गुड एंड ऑल्सो ऑल इवन इन दिस कंट्री और द वर्ल्ड, राइट? क्योंकि अगर आपका ख्वाब यह है कि मैंने ये हासिल कर लेना है चाहे किसी कीमत पर भी, जब आप कहते हैं किसी कीमत, तो दरअसल अब आप कॉम्प्रोमाइज करने के स्टेज पे आ जाते हैं। यानी आप अपने वैल्यूज, अपने ethos, अपनी एथिक्स, अपनी मोरालिटी वगैरह 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 को सैक्रिफाइस करते हैं।